शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में बिजली बिल का मामला अब राजनीतिक मामला बन गया है। लॉकडाउन के बाद आए बिजली बिल उम्मीद से ज्यादा आने की बात जनता कर रही है। इस मामले में विरोधी पक्ष भाजपा और कुछ सामाजिक संस्था जनता के साथ होकर आंदोलन कर रही है, मगर कांग्रेस के नगर सेवक कमलेश चौधरी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह कर रही है। तो जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी शहर में इतनी धोखेबाजी जनता के साथ कभी नहीं होंगी जो हमारे नागपुर शहर में पिछली सरकार में हुई है। इस सरकार ने कम से कम सबको समान देखा है। इन्हें कोरोना के काल के अंदर में भी 3 महीने किसी को बिजली के बिल मिले नहीं मिले, पर किसी के घर की बिजली काटने की नौबत नहीं आई। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ हमारे पूर्व पालक मंत्री जी से कि जिस समय SNDL को, स्पेनको को, ये शहर को बिजली वितरण का काम सौंपा गया, दक्षिण पश्चिम इस क्षेत्र के अंदर में क्यों MSEB को ऑपरेट करने के लिए दिया गया? शहर तो एक था, जिला तो एक था, मतदार संघ एक था। फिर ऐसे में दक्षिण पश्चिम जो मुख्यमंत्री जी का मतदार संघ था, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो मतदार संघ था, वहाँ MSEB ऑपरेट कर रही थी और बाकी के 4 मतदार संघ में स्पेनको के माध्यम से लोगों के ऊपर में बिलिंग लादने का काम किया गया। बिल्स आप देखिए तो बिल्स के आपको यूनिट के भी रेट में, MSEB के रेट में और प्राइवेट कंपनी के रेट में, मैं कहीं पर भी बोलने से इस चीज़ को चूकूंगा नहीं क्योंकि हमारे जी वाले जो थे मालक सुभाष चंद्रा जी की जो कंपनी थी, सुभाष चंद्रा जी की कंपनी को हमने दिया बिजली वितरण का स्पेन को SNDL के माध्यम से काम, और उनको देखे सुभाष चंद्रा जी के माध्यम से हमने लोगों को लूटने का काम किया हमारी पिछली सरकार ने। यानी एक ये बोला जाए कि चंबल के जो डाकू हुआ करते थे वो कम से कम बेहतर थे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि कम से कम वो उनका इतिहास में, हिस्ट्री में जब हम उनको पढ़ते हैं तो प्रतीत होता है कि वो 6 महीने साल भर में एक आध बार आके गांव में जो साहूकार लोग होते थे उनको लूट के लेके जाते थे और गरीबों में बांटने का काम करते थे। ये डाकुओं की प्रतिक्रिया थी, पर इन बिलों के माध्यम से हमको ये प्रतीत हुआ पिछली सरकार में कि हमारा हफ्ता बांधा गया है जो हमको पहुंचाना ही है। तो ऐसी जो प्रतिक्रिया थी, कम से कम इन सरकारों में वो चीज़ें हमको देखने को नहीं मिल रही। आज कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी पूरा जहाँ पूरा पूरा हिंदुस्तान हिला पड़ा है, और ऐसी परिस्थिति में भी कहीं पे भी सरकार ने किसी के ऊपर में दबाव डालने का काम नहीं किया कि आपको भरना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। बताइए आप कहीं तो भी कहीं बिजली काटने का काम किया गया हो? ऐसा कहीं पर भी नहीं किया गया। हमको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हाँ, निश्चित ही रूप से सरकार के अंदर में बैठे हुए लोगों को भी समझने की जवाबदारी हमारी है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो हमको इन चीज़ों के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। आज सरकार के पास में किसी भी प्रकार का प्रोविज़न नहीं बचा हुआ है, चक्का 6 महीने से पूरा रुका हुआ है। जितने भी सरकार के पास में रेवेन्यू आना था वो पूरे के पूरे रेवेन्यू बंद है, और ऐसे परिस्थिति में अगर हम ये सोचते हैं कि पूरे के पूरे बिजली बिल, हाँ बिजली बिल कम होने चाहिए। और आपको मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर कहीं पर भी देखने के बाद में ये नहीं समझ में आ रहा कि बिजली के बिल के रेट बढ़े हैं। बिजली के बिल के रेट के आपने कहीं सुना है क्या कि डिक्लेरेशन की रेट बढ़े? मुझे भी नहीं प्रतीत हुआ कि बिजली के बिल के रेट बढ़े हैं। सिर्फ असेसमेंट के अंदर में कहीं तो भी गड़बड़ी हुई है जिसके चलते लोगों को बिल ज़्यादा चले गए, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिजली बिल बढ़ गए, बिजली बिल कम करो, बिजली बिल बढ़ गए, बिजली बिल कम करो, ये चिल्लाने से बिजली बिल कम नहीं होने वाले है। और ना तो ये जिस प्रकार से यहाँ पे बैठा हुआ विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, इसको अगर भुनाने का प्रयास करें तो ये सरासर गलत है। आप पब्लिक को गुमराह मत कीजिए, सत्यता से अवगत कराइए, सत्यता बोलिए। सत्य बोलने में आपको हिचकिचाहट होती है, सच बोलने में आप डरते हो। आप बिजली के बिल के बारे में बात करते हो, सत्ता में आप महानगर पालिका के अंदर में बैठे हुए हैं, आप पानी के बिल पर बात क्यों नहीं कर रहे? लाखों रुपए लोगों को पानी के बिल गए हुए हैं। साइबर टेक कंपनी के माध्यम से आपने टैक्सेशन का काम प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। किसकी है कंपनियाँ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग नाम लेना चाहते, कुछ लोग नहीं लेना चाहते, पर ये चीज़ों पर हम बात ना करते हुए हम सिर्फ विपक्ष को घेरने का यदि प्रयास करेंगे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। इन चीज़ों पे हमारे को थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा और आम पब्लिक को इन चीज़ों को